जमशेद ने निमरा से हारी रकम निकलवाई है। मैं सोच रही हूं तुम्हारे लिए गोल्ड का सेट बनवा लूं। गोल्ड का सेट मेरे लिए? अम्मी, मैं कब से यही बात सोच रही थी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन डिजाइन मैं अपनी मर्जी का चूज करूंगी। ये पुराने पुराने डिजाइन मुझे नहीं चाहिए। डिजाइन तो एक से बढ़कर एक होगा, आखिरकार इतने बड़े घर की बहू बनने वाली हो तो। लेकिन उस निमरा ने अपनी नानी से बात भी की है? अरे नहीं की तो कर लेगी ना, इसके सिवाय उसके पास चारा भी नहीं है। और वैसे भी मैंने फारिस को एतमाद में लेके बात कर ली है कि एमन के लिए उस घर पर मेरी नजर है। निमरा हमारी बातों को तो टाल सकती है, लेकिन फारिस को इनकार नहीं कर सकती। वाह अम्मी, ये तो आपने बड़ा काम कर दिया। फिर चले ना, झूले के पास चलते हैं अभी। क्या हो गया तुम्हें? तुम इतनी अतावली क्यों हो रही हो? चले जाएंगे, सब्र तो करो। लेकिन अम्मी, उस निमरा पर आप नजर रखें। मुझसे उसकी ये हरकतें बर्दाश्त नहीं होंगी। हारून को क्यों कॉल्स करती है वो? उसे कहें उसे कॉल्स करना बंद कर दे, मैं नहीं ये बर्दाश्त करूंगी मजीद। मेरा नहीं ख्याल निमरा उससे बात करती है, लेकिन हारून की नजरों में मैंने निमरा के लिए मोहब्बत देखी है। क्या हो गया आपको? हारून जैसा लड़का भला निमरा जैसी आम सी शक्ल वाली लड़की से क्यों प्यार कर बैठेगा? मुझे यकीन है निमरा ही उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाती फिरती होगी। और कोई बात नहीं है, उसे कह दें उसको आइंदा कॉल मत करे। हौसले से काम लो, क्यों गरम गरम खाने पर तुली हुई हो तुम? अरे लड़की, जरा ठंडा करके खाओ। और ये हारून का किस्सा लेके तुम निमरा से झगड़ना ना शुरू कर देना, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाएगा। जैसा मैं कहूं वैसे ही करना। बस अल्लाह मेरे बच्ची के सारे ख्वाब पूरे करे, फिर देखना। तो तुम्हारी शादी पे मैं 3 भारी भरकम गोल्ड के सेट बनाऊंगी। आगे मेरी शादी होने लगी है।